हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 203 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से पिकॉक यानी मोर का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहले स्टेप में जो है बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे ऐसे टू लिख दीजिएगा, हो सके तो आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत और हमारे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। इस तरह आपको एक टू लिखना होगा। टू लिखने के बाद जस्ट इसी के आगे जो है यहाँ पे आप ऐसे एक जीरो लिख दीजिएगा, ये हो गया हमारा जीरो। फिर इसके बाद आप आगे की तरफ बहुत ही आसान तरीके से एक थ्री लिख देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। अब देखिएगा 203 हो गया। 203 लिखने के बाद एक जीरो आपको इस साइड ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे जीरो बना दीजिएगा। फिर इसके बाद जस्ट इसी के बगल एक जीरो हम यहाँ पे बना देंगे। यही सेम प्रोसेस आप आगे की तरफ ऐसे रिपीट करते जाइएगा, एक यहाँ पे जीरो लिखिएगा, एक यहाँ पे जीरो लिख देंगे। अब आप चाहें तो नीचे की तरफ यहाँ पे भी ऐसे जीरो लिख सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जीरो लिखने के बाद अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल की हेल्प से, या मार्कर से बना रहे हैं तो मार्कर की हेल्प से बीच में ऐसे डॉट लगा देंगे, यहाँ पे भी ऐसे डॉट लगा दीजिएगा, इसको काउंट करके डॉट लगाइएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है पिकॉक की स्पेलिंग आती है तो आप हमें जो है पिकॉक की स्पेलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक ऐसे हाफ सर्कल बनाना होगा, फिर एक हाफ सर्कल इस साइड बनाइएगा, फिर यही सेम प्रोसेस जो है आप नीचे की तरफ हाफ हाफ सर्कल बनाते जाइएगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपको जो है मोर का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रो सकता है दोस्तों। अब देखिएगा, इस टू को क्या करना है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आप ऐसे मिला दीजिएगा, इस पॉइंट पे आपको मिलाना होगा। मिलाने के बाद बीच में यहाँ पे जो है हमने टू जो बन लिखा है, छोटे छोटे आप ऐसे हाफ सर्कल बनाते जाइएगा, यहाँ पे ऐसे बनाइएगा, एक हाफ सर्कल हम यहाँ पे बना देंगे। हाफ सर्कल बनाने के बाद देखिएगा, इसको हमें जो है ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ से आप ऐसे एक लाइन एक ड्रॉ कर दीजिएगा, एक लाइन इस पे ऐसे मिला दीजिएगा। जितने हमने छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ किए हैं उसको ऐसे टच करते हुए आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे पूरा टच नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, टच नहीं करना है आपको। फिर इसके बाद एक हाफ सर्कल यहाँ पे बनाइए और इसको मार्कर के ऐसे ब्लैक कर दीजिएगा, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप जो है आगे की तरफ भी ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए इस टू पे मिलाना होगा। मिलाने के बाद अब आप चाहें तो आगे की तरफ भी यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे हाफ सर्कल ड्रा कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ाइए और हाफ सर्कल ड्रा करिए, यहाँ पे भी ऐसे सेम पोर्शन, सेम यानी कि आपको जैसे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ किया है इसी तरह जो है आगे की तरफ भी आप ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऐसे हाफ सर्कल बनाना होगा। हाफ सर्कल इस साइड बनाइएगा और इसको हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक इस टू के बीचों बीच में यहाँ पे लाकर मिलाना होगा। मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए फिर ऊपर की तरफ आपको आना होगा। देखिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ से ऐसे आइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद छोटे छोटे डॉट आप पेंसिल की हेल्प से या स्केच की हेल्प से ऐसे लगा देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको जो है इसको कैसे डबल करना है, इसको देखिएगा। यहाँ तक तो आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से हम ऐसे बाहर की तरफ ले जाएंगे और ये वाला पोजीशन पे जाकर मिलाना होगा आपको। इसको ऐसे हाफ सर्कल बड़ा सा बनाते हुए फिर यहाँ पे छोटा सा हाफ सर्कल बना दीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सेम प्रोसेस आप इस साइड भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट करने के बाद नीचे की तरफ जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक आप ऐसे आगे की तरफ लाइन बढ़ा दीजिएगा। आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाइए छोटे छोटे, इसका जो है पिकॉक का हम यहाँ पे ऐसे लेग बना देंगे। लेग बनाने के बाद आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना होगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे ऐसे छोटा सा डॉट लगाइए। डॉट लगाने के बाद दोस्तों एक ऐसे वी लिख दीजिएगा और इसको अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, या पेंसिल से शेड भी देना चाहते हैं तो शेड भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो है छोटे 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 आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। यही सेम प्रोसेस जो है आप हर सर्किल के साथ ऐसे रिपीट कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से 203 नंबर से
पिकॉक का चित्र बनके तैयार हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम जो है छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं।